टोल प्लाजा 500 मीटर ए हेड, यानी 500 मीटर के बाद टोल आने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण शर्मा और द पब्लिश देख रहे हैं आप। आज रक्षाबंधन का पर्व है और रक्षाबंधन का पर्व पूरे भारत देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन देखिए आप स्क्रीन पर, आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 500 मीटर अभी हम पीछे हैं। इतना लंबा जाम टोल प्लाजा, बन टोल प्लाजा में लगा हुआ है। हमारा नंबर कब आएगा हमें ये नहीं पता, लेकिन अगर मेरा कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करे तो आप देखेंगे कि शुरुआत में स्क्रीन पर आपने देखा कि 500 मीटर ये लंबा जाम लगा हुआ है और गाड़ियां बिल्कुल स्लो स्लो चल रही हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे गाड़ी की ब्रेक बार बार लग रही है। हमारे आगे एक गाड़ी है, इसकी ब्रेक लगी हुई है, इसका मतलब यह है कि गाड़ियां बिल्कुल रुकी हुई हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर यहाँ पर ऐसा होता रहता है, इतने लंबे लंबे जाम लगते रहते हैं। आप देखेंगे कि कुछ गाड़ी वाले यहाँ तक बेचने के लिए आ गए हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि कितना लंबा जाम लगता है यहाँ पर। और अगर मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखाए तो एक गाड़ी वाला आपको दिख रहा होगा, ये गाड़ी बेचने के लिए टोल प्लाजा से 500 मीटर पीछे चलकर आया है, क्योंकि इसे भी पता है कि ये लंबा जाम काफी समय तक लगा रहेगा। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बन टोल प्लाजा पर 500 मीटर लंबा जाम अब आम बात हो गई है। और जो मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय NHAI, ये कहते हैं कि अगर आपको ज्यादा वेट करना पड़े, कुछ सेकंड की बात इन्होंने कही है या एक मिनट लगा लेते हैं हम, अगर इससे ज्यादा वेट अगर आपको टोल प्लाजा पर करना पड़े कहीं भी पूरे भारत देश में, बन टोल प्लाजा की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे भारत देश में जहां जहां टोल लगे हुए हैं, अगर आपको वेट करना पड़े तो जनाब आपका टोल फ्री, आप गाड़ी अपनी निकालिए आराम से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो ऐसा नहीं है, बाकी राज्यों में होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आप एक घंटा भी इस टोल में रुके रहेंगे जाम में, तो भी जनाब आपका टोल कटेगा। तस्वीरें एक बार फिर से मेरा कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहा है तो आप देख पा रहे होंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें और भी दिखाने की कोशिश करे। अगर आप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर कि कितना लंबा जाम बन टोल प्लाजा में इस समय लगा हुआ है, 500 मीटर लंबा जाम है ये, घूम करके भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को कितना लंबा जाम बन टोल प्लाजा में लगा हुआ है आज रक्षाबंधन के दिन। कुछ लोग इस वीडियो में ये भी कहेंगे कि आज त्यौहार है और त्यौहार की वजह से ये जाम लगा हुआ है, लोग अपने घरों में जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन जनाब यहाँ पर ये बात आम हो गई है, हर दूसरे तीसरे दिन शाम के समय में इतना लंबा लंबा जाम लगा रहता है। मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मुझे अभी तक ये वीडियो भी आप देख रहे हैं कि कितना लंबा वीडियो जा रहा है, हालांकि हम पहले जाम में फंसे रहे, हमें लगा कि खुल जाएगा, लेकिन जब जाम नहीं खुला तो हमने सोचा कि खबर करते हैं ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे और जो लोग इस नेशनल हाईवे के टोल को देख रहे हैं, जो अधिकारी, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो इसका समाधान निकालें कि आखिर भाई इतना लंबा जाम क्यों लगता है। अगर आपके पास कैबिन कम है, कैबिन आप लगा लीजिए कि जो गाड़ियाँ निकलती हैं वो अगर 3-4 हैं गाड़ियाँ निकलने के लिए, तो आप बढ़ा दीजिए भाई। टोल देने के लिए सब तैयार हैं, क्योंकि इतने मस्त रोड आपने बनाए हुए हैं, टोल देने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन इतने लंबे जाम में कौन फंसेगा, किसके पास इतना समय है। आप देखिए एक बार फिर से, मैं कैमरा पर्सन को बार बार तंग कर रहा हूँ क्योंकि खबर यही आपको दिखाने की कोशिश है कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है, यही कोशिश बार बार जारी है कि आपको दिखाए कि कितना लंबा जाम आज के दिन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से आपको दिख पा रहा होगा कि हर गाड़ी की ब्रेक लग रही है, हर गाड़ी की ब्रेक लग रही है, इतना लंबा जाम है कि मैं कह रहा हूँ 500 मीटर तो हमने आपको दिखाया विजुअल में, अब ये जाम टनल तक पहुँच गया हुआ है और इतने लंबे जाम में कब लोग निकलेंगे और कब अपने घरों तक पहुँचेंगे। आप जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए कि जिन लोगों के पास चार पहिया वाहन है, क्या वो इस जाम में कितनी देर फंसे हैं, या फिर वो इस जाम में इतनी लंबी लंबी कतारों में कभी फंसे हैं। बाइकर्स तो आराम से निकल जाते हैं, बाइक्स वालों के लिए कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन चार पहिया वाहन जो भी यहां से लेकर गुजरता है उसको काफ़ी दिक्कत होती है जब वो इस जाम में फंस जाता है। इसी खबर के साथ मेरे कैमरा पर्सन और मुझे यानी अरुण शर्मा को दीजिए इजाज़त। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।